नमस्कार मित्रों, उपमा अलंकार देखा। बहुत सारी उपमाएं एक साथ क्रमशः दी गई हों तो मालोपमा होता है, उपमा के प्रकारों में आता है। अभी हम चर्चा करेंगे अनन्वय की। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आचार्य मम्मट कहते हैं उपमान उपमेयत्वे एकस्य एक वाक्य के अनन्वया। जहां उपमान और उपमेय, देखिए उपमान उपमेय हम समझ चुके हैं, इसीलिए कहा था कि उपमा अलंकार को विस्तार से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां उपमान उपमेय उपमावाचक साधारण धर्म सारी चीजें देख ली हैं, तो अब जो आएंगी उनका पुनरावर्तन का जरूरत नहीं है। मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, जो श्रेष्ठ है मानवाचक शब्द जिसमें है वो उपमान है, और जो दो में से और एक उपमेय है जिसके लिए उपमा दी जा रही है। यहां कहते हैं कि उपमान उपमेयत्वे एकस्य एक वाक्य गे, उपमान और उपमेय एक ही होता है, जहां पे वहां अनन्वय अलंकार होता है। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर इव, राम रावण का युद्ध कैसा था? राम रावण के युद्ध जैसा था। वही उपमेय है और वही उपमान है। सीतेव सीता, सीता कैसी? तो सीता जैसी। दमयंत्येव दमयंत्या, दमयंत्याया मुखम इव दमयंत्याया मुखम, दमयंती के मुख जैसा ही दमयंती का मुख। इस प्रकार से जब आप उपमेय और उपमान में एक ही तत्व का निदर्शन करेंगे तो अनन्वय अलंकार होगा। आचार्य मम्मट उदाहरण देते हैं, न केवलम भाति नितांत कांतिर नितंबिनी सैव नितंबनी व, वो नितंबिनी नितंबिनी की ही तरह। इसलिए यहां पे सीते व सीता की तरह यहां अनन्वय अलंकार है। धन्यवाद।